A sam ho kapriu cinema me jeru kiya jata insa ka naam thakur ji aapko jante hain bahut sare log jante hain unki do mashhoor line hai main udhrit karna chahunga kamar bandhe hue chalne ko sab yaar baithe hain kamar bandhe hue chalne ko sab yaar baithe hain bahut aage gaye baki jo hain taiyar baithe hain ke जब तरन्नुम में गाया जाए तो संगीत नृत्य और नाच इन तीनों कलाओं का जो सरगम होगा मैं समझता हूं कि वही रंगमंच होगा मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि 20-22 फरवरी यानी तीन दिन जम्मू के थिएटर प्रेमियों को रंगमंच के उसी रस का अनुभव होगा जो उन्होंने कभी प्राचीन काल में बलवंत ठाकुर के काल में देखा होगा या दिल्ली के श्री राम सेंटर में देखा होगा कमानी ऑडिटोरियम में देखा होगा या मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हासिल किया होगा श्रीनगर के रंगमंच प्रेमी 23-25 फरवरी थिएटर की बेहतरीन प्रस्तुतियां देख सकते हैं और भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत इस प्राचीनतम कला माध्यम का आनंद भी ले सकते हैं मैं कोई रंगमंच का विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि कला से मुझे थोड़ा प्रेम है और इसलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह रंगमंच के बिना सिनेमा रंग नहीं है उसी तरह अच्छे साहित्य के बिना रंगमंच भी बेजान है हमारे देश में साहित्य की समृद्धि कभी कमी नहीं आई और इसलिए कोने कोने में रंगमंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है देश की गौरवशाली रंगमंच की परंपरा के बारे में इतिहासकारों ने समय को लेकर इतिहासकारों में समय को लेकर मतभेद हो सकता है लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि चारों वेदों से अलग अलग विशेषताओं द्वारा नाट्य वेद की रचना हुई और कालिदास महाकवि भास सुद्रक भू जैसे अनेक ऐसे नाम हैं जिन्हें आज अमृत काल में कला प्रेमी और नई पीढ़ी को जानने और समझने की आवश्यकता है जा सकता है बाकी व्यवस्थाएं उस हिसाब से बनाई जा सकती हैं बदली जा सकती हैं थिएटर कलाकार के संबंध ऐसे हैं कि दोनों कभी कभार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते लेकिन बिना देखे उन्हें राहत नहीं जाता है और इस स्थिति पर लोगों की आवक हुआ हुए हैं पांव भी पहले नंबर पे इश्क में जख्मी हुए हैं पांव भी पहले नंबर पे इश्क में जख्मी न ठहरा जाए है मुझे न भागा जाए है मुझसे तमाम चुनौतियों के बावजूद रंगमंच की बात ही कुछ और है कोशिश शुरू हुई है जम्मू कश्मीर के रंगमंच को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए स्वर्गीय इब्राहिम अलका जी स्वर्गीय सत्यदेव दुबे जी जैसे अनेक गुरुओं की तरह नवोदित कलाकार भी ऐसे गुरुओं की छाया मिले उन्हें निखरने का अवसर मिले भगवंत ठाकुर साहब ने सालों इस रोल को बखूबी निभाया अब विदेश से प्रेम इनका बढ़ गया है मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वह प्रेम छोड़िए आइए अपनी मातृभूमि पर जिस चीज की तकलीफ आप अपनी जवान में व्यक्त कर रहे थे उस तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए और लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ श्रम आप भी करिए कुछ हम भी करते हैं मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है इब्राहिम अलका जी कहते थे कि जब आप में अपने काम के प्रति जुनून होता है तो ऊर्जा बहुत स्वाभाविक रूप से आती है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं मैं नहीं इब्राहिम अलका जी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपना जीवन इन चीजों को करने में बिताया है जिनमें मुझे मजा आया अब नई पीढ़ी को इन प्रेरक प्रसंगों से रूबरू कराने का काम कौन करेगा स्वाभाविक रूप से भगवान ठाकुर जैसे लोग करेंगे साथ ही साथ जरूर इस बात की है
कि रंगमंच से जुड़े लोगों की आर्थिक मदद हो इस बात से मैं सहमत हूँ और वो व्यवस्था मैं जरूर करूंगा, ये मैं आपको आज भरोसा देता हूँ। पॉलिसी की आपने चर्चा की है, ये आ जाए, आप भी इसमें सहयोग करिए। विश्वविद्यालय में जो लोग हैं जिनकी रुचि, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम बनाइए और निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। मुझे स्मरण है हबीब तनवीर कहते थे कि पेट पर पत्थर रखकर काम करना मुश्किल है और इसलिए थिएटर वालों को सिनेमा और टीवी की तरफ रुख करना पड़ता है। ये हकीकत है। बलवंत ठाकुर साहब ने जम्मू कश्मीर में थिएटर को जिंदा रखने और उस विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी, जाने माने थिएटर पर्सनैलिटी पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी, शांतनु बोस जी, सभागार में उपस्थित क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति माननीय बेशन लाल जी, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अध्यापकगण, यहां उपस्थित थिएटर में रुचि रखने वाले कला प्रेमी देवियों, सज्जनों और मित्रों, आजादी के अमृतकाल में भारत रंग महोत्सव या नेशनल थिएटर फेस्टिवल का जम्मू कश्मीर में मंचन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हर्ष का विषय है और मैं भारत सरकार की यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रति इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं मानता हूं कि रंगमंच किसी भी कलाकार के लिए एक जीवंत अनुभव होता है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक लंबा इतिहास इस बात का गवाह है कि कलाकारों ने जो आनंद रंगमंच से प्राप्त किया वो सिनेमा के पर्दे पर उन्हें कभी नहीं मिला। जीवन के सभी अनुभवों को निचोड़कर जब कलाकार थिएटर हॉल में दर्शकों से मुखातिब होता है तो वो कला की गहराई में, उसके फन की चरम सीमा पर पहुंचने का अनुभव होता है उसका। और इसलिए हमारे देश की प्राचीन परंपरा में थिएटर को पंचम वेद माने पांचवा वेद कहा गया है। चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकारों की खान है और सिनेमा जगत को इसमें अनेक महत्वपूर्ण कलाकार मिले हैं, इसलिए आजकल थिएटर की जब भी चर्चा होती है तो जैसे पवन ठाकुर जी ने की, सिनेमा की चर्चा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मंच पर कलाकार के पास सिनेमा की तरह रिटेल की सुविधा नहीं होती। यह भी सच है कि थिएटर के अर्जित अनुभव को आप सिनेमा में नहीं पा सकते। हाँ, उस अनुभव का